नमस्कार दोस्तों, घमंडी कौवा आज की मेरी कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, हमें जिंदगी में ये बात समझनी चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। किसी के अंदर हजार बुराई हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी बनाई जरूर है। उस क्वालिटी का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हंसों का एक झुंड समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजर से देखा कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह कलाबाजियां खा सकते हो, मेरी तरह रास्ता बदल सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ान किसे कहते हैं। कौवे ने ये बात कटाक्ष रूप में उन हंसों से कही। कौवे की बात सुनकर एक हंस बोला, ये अच्छी बात है कि ये तुम सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तब उस कौवे ने कहा, मैं घमंड वमंड नहीं जानता हूँ, अगर तुम में से कोई मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। इस पर एक युवा हंस ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने बोला कि प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपनी कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करना होगा, और दूसरे चरण में हंस अपना कर्तव्य दिखाएगा और कौवे को उस कर्तव्य को दोहराना होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। कौवे ने एक से एक बढ़कर कलाबाजियां करनी शुरू कर दी। वह कभी गोल गोल चक्का लगाता तो कभी जमीन को छूते भी उड़ जाता, और हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा तो और घमंड में चूर हो गया और बढ़ चढ़कर बोलने लगा। बोला, मैं पहले ही तुम्हें कह रहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता। खैर, दूसरे चरण की प्रतियोगिता शुरू हुई। हवा में उड़ान भरी, समुद्र की तरफ हंस उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो भला, सीधी सीधी उड़ान कोई चुनौती होती है? तुम तो सच में मूर्ख हो, कौवे ने बोला। पर हंस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उड़ता रहा और धीरे धीरे बहुत दूर होता चला गया। तब कौवे का बड़बड़ाना कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल बंद हुआ। कौवा पूरी तरह थक चुका था। अब उसके लिए खुद को हवा में उड़ाना मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौवे की स्थिति को समझ रहा था। उसने अनजान बनते हुए कहा कि तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो, क्या तुम्हारा ये कोई कर्तव्य है? कौवे ने कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं आगे से कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उस हंस ने सोचा, चलो कौवे ने अपनी गलती से सबक सीख लिया है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। अब हंस ने उस कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और वापस उड़कर तट पर आ गया। दोस्तों, हमें जिंदगी में ये बात समझनी चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। किसी के अंदर हजार बुराई हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी बनाई जरूर है। उस क्वालिटी का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देर सवेरे सहित कौवे को अपनी उस घमंड पर शर्मिंदा होना पड़ा। बड़ी पुरानी कहावत है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए ध्यान रखिए और कहीं जाने अनजाने में आप कौवे जैसी गलती तो नहीं कर रहे। अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए। घमंड से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। घमंड का सिर नीचा होता ही है और यही सच है। इस कहानी को पढ़कर अपने जीवन में ढालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।